व्यक्ति आज भी जीवित है जिनका नाम है अश्वत्थामा, जो एक योद्धा के रूप में उसने यहाँ को छोड़ के जाना है, लेकिन मैं अपने काम के माध्यम से कम से कम 154 कंट्री के अगर दो एक निर्भया कांड को भी मैंने 4 लाइनों में व्यक्त किया है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम साक्षी साहू है, मैं अस्तित्व प्रकाशन से हूँ और मैं आज ऑथर इंटरव्यू में अमरेश प्रसाद भंडारी जी, जो विरल जी के नाम से जाने जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ। उनकी अभी हाल ही में 2 किताबें आई हैं, पहली तो मैं अश्वत्थामा बोल रहा हूँ और दूसरा है आओगे ना तुम। तो पहले तो मैं विरल जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। विरल जी जो हैं एक प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, और साथ ही साथ ये जो है झारखंड से बिलोंग करते हैं, बट इन्होंने अपनी जो है ये पोएम का संग्रह ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो नमस्कार, मैं अपना परिचय खुद दे दूं। मैं आपने तो ऑलरेडी कह ही दिया है कि मेरा नाम अमरेश प्रसाद भंडारी, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, झारखंड राज्य का रहने वाला हूँ और मैं कविताएँ लिखता हूँ और कुछ कुछ विषयों पर भी लिखता हूँ। और मेरी जो मातृभाषा बंगला है और मेरी रोजी रोजगार की जो भाषा है जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी दोनों किताबें जो पब्लिश हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, समस्त अस्तित्व पब्लिकेशन परिवार का, और ऐसे भी मैं भी अब इसका एक अंग बन चुका हूँ। तो सर पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी ये जो बुक लिखने की इंस्पिरेशन है पोएम लिखने की, वो क्या है? कोई भी चीज़ देखता हूँ, नया अनुभव होता है। जिस तरह आपने देखा होगा लोग थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं, तो सबसे पहले एक हाइपोथीसिस होता है दिमाग के अंदर, परिकल्पना, और उस परिकल्पना को आप उसको कितने विस्तार दे सकते हैं, आयाम दे सकती हैं। मेरे अंदर भी समाज के कई एक इशुओं को लेकर दिमाग में अनवरत कुछ बातें चलती रहती हैं, तो मैं भी अपने उन चिंताधाराओं को अपने लेखन के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ, ताकि समाज को एक संदेश दे सकूँ, एक स्वच्छ सभ्य सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो सके। तो जैसे कि आपकी ये जो है आओगे ना तुम, इसमें काफ़ी उम्मीद है इस टाइटल में ही कि आओगे ना तुम, तो मुझे जानना है कि ये पूरी पोएम जो है कलेक्शन वो इतनी उम्मीद से भरी हुई है, तो किस तरह की उम्मीदें आपने इस पोएम में डाली, अपने जितने भी कविताएं हैं? देखिए, इन सारे कविताओं में शायद 15 कविताओं का संग्रह है जी, तो 15 कविताओं में ही कुछ उम्मीदें हैं, होप हैं और इंतजार है, यानी वेटिंग है जी। और आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने नज़रिए से आप उसको जैसे देखना चाहेंगे आप उसे देख सकती हैं, कोई भी पाठक वर्ग उसे अपने अनुसार ढाल सकते हैं। अब मैं लिखा हूँ कुछ सोचकर, पाठक वर्ग के दिमाग में कुछ इसका और अर्थ निकल सकता है, तो ये उत्सुकता को कृपया बरकरार ही रहने दीजिए। जी बिल्कुल। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जो नादान करके आपकी एक कविता है, मुझे उसके बारे में जानना है कि वो किससे इंस्पायर है और आपने किसके बारे में वो लिखा है। नादान ना? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, पहली पंक्ति देखते ही मैं बता दूंगा आपको। ये नादान जो है ये आज के मतलब वर्तमान जो परिदृश्य है, जैसे उसे देखिए पंक्तियाँ कैसे शुरू होती है, अगले पल की खबर नहीं ये कल की बात करते हैं जी। खुद के घर का पता नहीं मंगल की बात करते हैं, इन्हें शांति से मतलब नहीं दंगल की बात करते हैं, ये सभी आप देख रही हैं जी। अपने बनाए हथियारों से खुद ही असमय मरते हैं, रसिया, यूक्रेन जी, इसराइल जी, सही कहा, पैलेस्टाइन, हिजबुल्ला, ईरान आदि आदि जो वर्तमान में चल रहा है जी। तो उसी का
कुछ अतीत का अनुभव है इसमें और कुछ आने वाले की भविष्यवाणी। तो और मुझे जानना था कि जो आपकी जो आगे आने वाली दो किताबें हैं, पिघलता आसमा और अनोखा एहसास, वो कब तक आप कंप्लीट करके अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं? मेरी तो कोशिश है शीघ्र से शीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र अपने पाठक वर्ग को उपहार दे सकूं। जी। अब आप सब ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि मैं कितनी जल्दी सफल होता हूं। जी बिल्कुल। लेकिन आपके प्रायर इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पिघलता आसमान दूसरे नंबर पर आने वाली थी, लेकिन शायद वो पेंडिंग ही अभी कुछ दिन चलता जाएगा। जी। लेकिन अनोखा एहसास, जी, आई होप विद इन अ मंथ आप सबके हाथों में वो उपन्यास होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, तो जैसे कि आपका एक बुक है, मैं अश्वत्थामा बोल रहा हूँ, तो मुझे जानना है कि आपको ये अश्वत्थामा के साइड से जो ये लिखने का एक्चुअल में इंस्पिरेशन कहाँ से है, कि आपने ये सोचा कैसे कि अश्वत्थामा क्या चाह रहे हैं बोलना, और उसे आपने कैसे वर्ड्स में आपने लिखा? बहुत ही सार गर्भित प्रश्न किया है आपने, और ये उत्सुकता आपके अंदर है, इसी उत्सुकता का ही परिणाम है कि मैं इससे लिखने में समर्थ हुआ हूँ। देखिए, देखने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध हम लोग एक अनुमानिक तौर पे मानते हैं 5 से 5,500 साल पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी ऐसा माना जाता है उस युद्ध में, युद्ध के दौरान सक्रिय अंशग्रहण करने वाला एक व्यक्ति आज भी जीवित है, जिनका नाम है अश्वत्थामा, जो एक योद्धा के रूप में उसमें अपने योगदान दिए थे। और उनके, मैं उन्हें यहाँ पे एक साक्षी, जो आपके नाम से मैच करता है, मैंने गवाह विटनेस के तौर पे भी और साथ ही एक जज के तौर पे भी पेश करना चाहा है, क्योंकि कोई और तो आके गवाही नहीं दे सकता है कि महाभारत युद्ध के लिए असल में जिम्मेवार कौन है। तो ये आप मेरी चिंतन समझें या मेरे माध्यम से अश्वत्थामा के मुँह से जो बुलाया जा रहा है, महाभारत युद्ध के लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेवार नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ और बहुत सारे व्यक्ति जिन्हें हम आपात दृष्टि से नायक के रूप में जानते हैं, बहुत उच्च स्तरीय जिनके चरित्र को हम चित्रण करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी गहराई में जाकर उसका अवलोकन करें तो उस चरित्र में भी कुछ ऐसी खामियां हैं, खूबियों के साथ साथ, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि खामियां ओनली, खूबियों के साथ साथ कुछ खामियां भी हैं जो महाभारत युद्ध जैसा महाविनाशकारी युद्ध के लिए जिम्मेवार है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अश्वत्थामा जी जो है, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन था जो मैं आपसे पूछना चाह ही रही थी, काफ़ी टाइम से मैंने ये सोच के रखा था। तो अश्वत्थामा जी जो है 7 चिरंजीवी में से एक हैं, तो क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? और पहले तो आप ये बताइए कि आप इस बात पे एग्री करते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब मुझे क्वेश्चन से ही देना पड़ेगा। आप हमारे जितने भी वेद पुराण उपनिषद धर्म ग्रंथ हैं, आप उनको मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ। तो अगर मानती हैं, अगर मान्यता है, तो मैं भी विश्वास करता हूँ कि अश्वत्थामा जी आज तक जीवित हैं। और अगर आप पूछना चाहेंगी कि जीवित हैं तो कहाँ हैं, किस अवस्था में है, मैंने तो उन्हें देखा नहीं है। मैं उन्हें क्या, अपने परदादा को ही मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरा जो घर बना हुआ है तो पूर्वजों की जमीन पर ही बनी हुई है, तो यानी कि उनका अस्तित्व था। और यहाँ प्रश्न है कि अश्वत्थामा, जिनको आप 7 चिरंजीवी में से एक बता रही हैं, कि उनका अस्तित्व, वर्तमान अस्तित्व है या नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? हम ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का नाम लेते हैं जो 150, 200, 250, 300, 350 साल तक जीवित रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम आपने शायद सुनी होगी, वाराणसी में त्रैलंग स्वामी का, जिन्हें जीवंत शिव के नाम से पुकारा जाता था, सुने कि वो भी लगभग 350 साल जीवित रहे।
तो अश्वत्थामा क्यों नहीं रह सकते हैं? जी बिल्कुल। और आपके उसी प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ था कि अगर है तो कहाँ। तो मैं अगर कहूँ तो मेरे घर से अश्वत्थामा जी काफ़ी दूर रहते हैं, पर आप लोगों के तो पड़ोस में हैं। कहाँ पर से? ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में एक गढ़ है, असीरगढ़, असीरगढ़ का किला जी। वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। सुना है कि आज भी सवेरे जब पुजारी जी वहाँ पूजा करने जाते हैं, मंदिर का कपाट तो बंद रहता है, परंतु कपाट खोलते ही देखा जाता है कि वहाँ ताज़े ताज़े चारों ओर पुष्प जो है बिखरे हुए हैं। कोई पुजारी जी के पट खोलने से पहले ही पूजा अर्चना करके चला गया होगा या चली गई होगी, लेकिन अभी तक चली गई होगी का प्रश्न नहीं आया है, लेकिन चला गया होगा मैं अश्वत्थामा जी का नाम कई बार सुनने में आया है। और इसके ऊपर कई यूट्यूबर्स वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। तो जैसे कि अभी जो है ज़माना काफ़ी आगे बढ़ गया है, काफ़ी सारे साइंस के जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे जानना है कि इस टाइम पे कुछ मॉडर्न के बदले आप पीछे जा कर के जो है अश्वत्थामा को क्यों चुने, उनके बारे में क्यों लिखा आपने? जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है वो नष्ट हो जाता है जी। तो महाभारत, रामायण, ये सब जो युद्ध है, असल में इनकी, अगर इनको आप काल्पनिक भी कह लें तो इनकी भूमिका क्या है मानव जीवन में? मानव जीवन में इनकी भूमिका है कि हमेशा याद रखना, असत्य कितनी भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, सत्य के ऊपर कुछ दिनों के लिए, चंद मने लम्हों के लिए, चंद समय के लिए हावी हो सकता है, उसे पराजित नहीं कर सकता है। शॉर्ट में बोलूं तो एट द एंड ओनली ट्रूथ प्रिवेल्स। जी सही कहा। तो जैसे कि अभी अभी एक हाल ही में पिक्चर आई थी कल्कि करके, जो कि अश्वत्थामा पे ही बेस्ड थी, तो मुझे जानना है कि आपने वो देखी है और लाइक? नहीं नहीं, मैं उसमें, मैंने उसे देखा नहीं हूँ और इसलिए नो कमेंट्स। और कुछ एक पिक्चर आजकल जो हमारे पुराणों के ऊपर, धर्मग्रंथों को निकल रहा है या निकल रहे हैं, वो कितने कंट्रोवर्शियल होते हैं आप देख चुके हैं जी। जिसका ओरिजिनलिटी से दूर दूर तक का रिश्ता वास्ता नहीं है, इसलिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं देखा हूँ और देखना चाहता भी नहीं हूँ। जी। तो नेक्स्ट जो है मुझे एक ये संग्रह में आत्मग्लानी करके है जी, मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है, ये अश्वत्थामा के किस तरह की आत्मग्लानी के बारे में आपने लिखा है? अश्वत्थामा के आत्मग्लानी के किस आधार पर मैंने लिखा है? नहीं, मैं पहले आपको बता दूं फिर पढ़ के सुना दूंगा। देखिए, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, दुनिया के नज़र में हम क्या हैं, हर आदमी अपने फेस के ऊपर एक दूसरा फेस चिपका के चलता है, यानी कि एक मुखौटा पहन के। हम अच्छे हैं बुरे हैं हमारे मन जितना जानता है, दुनिया वालों के नज़र में सामने दो चार घंटे अच्छे बन के रहने में कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, या तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम बरतना पड़ता है या थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लेकिन हमारी असलियत कभी ना कभी वो सामने आ ही जाती है। तो अश्वत्थामा ने बाद में रियलाइज़ किया अपनी कुकृत्यों का, पहले तो कुकर्मियों का दुष्ट, मैंने क्या बोला, अधर्मियों का साथ निभाया, तो अधर्मियों का साथ निभाया तो अधर्म, अगर पारस के साथ सोना रहने से, लोहा रहने से सोना बन सकता है, तो अधर्मी के साथ रहने वाले भी तो अधर्मी ही कहलाएंगे ना। जी सही कहा। तो उनके ऊपर धीरे धीरे वो उनके रंग चढ़ते गए, उन्होंने जो जो गलत काम किए, अभिमन्यु को सप्तरथी मिलकर घेर कर निहत्था एक 16 साल के बालक की हत्या कर देना, जी, तो ये क्या आपके नज़र में अधर्म नहीं है? जी है, बिल्कुल है। इसके अलावा अश्वत्थामा के अंदर की सबसे बड़ी
ग्लानि जो है वो अंतिम समय में जब सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों की वो हत्या करते हैं और वो उससे पहले प्रतिज्ञा करके आए थे कि आज मैं पंच पांडवों का वध करके ही अपने पिता के वध का भी प्रतिशोध लूँगा और महाराज दुर्योधन तुम्हारे धधकते हुए कलेजे को भी थोड़ा ठंडक पहुँचाऊँगा। लेकिन उसमें एक जगह आप देख सकती हैं, जैसे ही वो पांचों मुंडों को दिया गया तो उनके मैंने हर बच्चे का अपने पिता के चेहरे के साथ सादृश्य तो बहुत था जी। लेकिन दुर्योधन ने उसको प्रायोगिक तौर पर देखने के लिए भीम का मस्तक उठाया और उसे दोनों हाथों से दबाया तो वो मैंने इतना ब्रिटल निकला, इतना भंगुर क्षणभंगुर चूर चूर होकर गिर गया। तब समझ में आ गया कि ये हमारे नहीं, ये हमारे पुत्र बच्चों का शव है, क्योंकि मेरे जो वंश है, हमारे जो सनातन में जो मान्यता है कि पुत्र के पिंडदान के बगैर किसी की आत्मा को मुक्ति मिलती नहीं है, तो उनके पुत्र तो रहे नहीं। हाँ। लेकिन भ्रातुष्पुत्र भतीजे लोग थे, भाई के बच्चे, उनमें से कोई भी, पांचों में से कोई भी एक अगर उनके नाम का तर्पण कर देता तो सनातनी मान्यता के अनुसार उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती। तो ये उसी का प्रतिशोध नहीं बोलेंगे, उसी का प्रतिफल स्वरूप आज भी अश्वत्थामा जो कभी न भरने वाले घाव को लेकर घूम रहे हैं, है ना, तो वो उसी का प्रतिफल है सोए हुए को। तो आज उनको एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत मैंने बड़ा गलत काम किया था जिसके सजा के रूप में आज भी मैं भटक रहा हूँ। देखिएगा उस मेरी जो कविता का जो संग है, ये इसका प्रथम पंक्तियाँ ऐसे शुरू होता है कि युग युग से मैं भटक रहा हूँ, त्रिसंग कुसा लटक रहा हूँ। अब त्रिशंकु जब है तो त्रिशंकु को आपको जानना चाहिए कि त्रिशंकु एक ऐसा व्यक्ति है जो मैंने शून्य और धरा इस दोनों के बीच में वो मैंने लटके हुए हैं। ठीक है, अभी जैसे एक हम लोग सुन रहे हैं ना कुछ दिनों से आ रही चर्चा में, हालांकि दोनों का तुलना करने की मेरी कोई मैंने इच्छा है नहीं, लेकिन बस समझाने के लिए, सुनीता विलियम्स शून्य में वो लटकी हुई है, है ना, वो न धरती पर उतर पा रही है न वहाँ से उस जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे ऊपर ही उठ पा रही है, बीच बीच में फंसी हुई है। त्रिशंकु इज जस्ट लाइक दैट कंडीशन। तो जैसे कि भगवद गीता, तो अश्वत्थामा के साथ भी वही है, भगवद गीता में भी आ रहा हूँ, अश्वत्थामा का भी वही हाल है। हाँ। और इसीलिए वो अब मुक्ति के लिए छटपटा रहे हैं। तो मेरा जानना नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भगवद गीता, जैसे कि आपका ये लिखा हुआ जो है अश्वत्थामा पे ही है, तो भगवद गीता से आपका क्या इंस्पिरेशन रहा है? देखिए भगवद गीता परब्रह्म परम पिता श्री कृष्ण जी का बने उनके अपने मुंह से कही गई वाणियां हैं, और वो मैंने ऐसा नहीं कि किसी किताबों में रचित हुई है। वो युद्ध विमुख अर्जुन को देखकर जब अर्जुन को लगा कि हम अपने ही जो ज्ञाति है इनके ऊपर कैसे हथियार चला सकते हैं, तो उसमें एक जगह मैंने लिखा भी है कि सही शब्द तो अभी मुझे याद नहीं आ रही है, मैंने अच्छा हो कि यह सब मैं पुनः बन को चले जाऊँ, हाँ यही था शायद, अच्छा हो कि सब पुनः मैं बन को ही चले जाऊँ, मैंने अस्त्र नहीं उठाऊँगा। तब श्री कृष्ण ने ये जो जिसे हम लोग माया कहते हैं उसको माया से विमुक्त करने के लिए अपना विश्वम्भर मूर्ति का दर्शन करवाया जिसमें सारा कुछ उनमें समाहित है।
वही सब कुछ है, वही जीवन है, वही मृत्यु है, वही स्थावर है, वही जंगम है, वही गति है, वही एक जगह मैंने गतिहीन है, जड़, वो विशाल है, वो क्षुद्र है, मतलब वो क्या नहीं है और उनमें क्या नहीं है, तो ये भगवद गीता का मेन है। और अगर जिस्ट कहा जाए तो एकमात्र निष्कर्ष निकलता है कि आपको जो भी कर्म आपके लिए निर्धारित किया गया है आप उसमें विमुख नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो कर्म आपको निर्लिप्त होके करना है जी। फल की आशा भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा ही अब इलियाड में भी चंद पंक्तियाँ आते हैं जहाँ हेक्टर ट्रोजन प्रिंस हेक्टर अपने पत्नी को अपनी पत्नी को कहते हैं कि कोई भी अच्छे हो बुरे हो कोई भी अपने डेस्टिनी से भाग नहीं सकता है। तो भागवत गीता उसी चीज़ का नाम है कि आप अपने कर्म विमुख कर मत रहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल की आशा करना लालसा रखना ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, देने वाला मैं हूँ, मैं दूंगा जी। तो और मैंने उसी को वो तो 18 अध्याय की है, है ना, तो 18 अध्याय की गीता जो है संस्कृत में पढ़कर आम मैंने जन को आम जन के लिए इतनी आसान बात नहीं है, बड़े बड़े विद्वान भी जो संस्कृत नहीं जानते उसको नहीं समझ पाएंगे जी। तो मैंने उन 18 अध्यायों को हो सकता है कि 18 कपलेट में दो दो लाइन की उसमें पिरोने का कोशिश किया है, एक बोले तो एक भागीरथ प्रयास किया है। अब इसके पाठक वर्ग के दिमाग पर उनके विवेक पर कितना असर पड़ता है तो देखने ये समय बताएगा। तो ये पुस्तक तो आई है एक दो साल पहले लेकिन मैं रहूँ ना रहूँ पुस्तक तो रह जाएगा, है ना, तो धीरे धीरे जब ये इसको और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलने लगेंगे लोग और पाठकों की संख्या बढ़ेगी तब हमको लगता है कि ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी एसेट साबित होगा। और कुछ विशेष जी, जैसे कि आप काफ़ी सारे जो है लैंग्वेजेस जानते हैं, आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, हिंदी में लिखते हैं और बंगाली आपको आती है, साथ बंगाली वो मेरा मातृभाषा है, हाँ मातृभाषा, और संस्कृत भी आपको आती है, तो आती मुझे है? जानना है कि आप आगे जो है कविता किसी और भाषा में ट्राई करेंगे लिखने का? नहीं नहीं किसी और भाषा में नहीं, देखिए लिखने का तो मैं चूँकि अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ अंग्रेजी लिख ही सकता हूँ, बंगाली मेरा मातृभाषा है, बचपन से बंगाली पढ़ो बंगला में मैं लिख ही सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य अपने आप को लेखक के तौर पर स्थापित करने से ज़्यादा एक विशाल मैंने क्या बोले एक विशाल क्षेत्र विस्तारित क्षेत्र जहाँ अधिक से अधिक लोग मेरी बातों को समझें और ये हिंदी में ही पॉसिबल हो सकता है, बंगाली भी एक लिमिटेड एरिया लिमिटेड जोन में है, ठीक है, अंग्रेजी तो सबके बस की बात है नहीं, हिंदी क्या है जो ठेठ हिंदी भी बोलते हैं अगर इसको पढ़ा जाए उनके सामने, मैंने प्रांजल भाषा का प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया है जी। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता था लेकिन मेरा उद्देश्य ही था कि आम जनमानस तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर जो पर्सनस हैं उनके पास मेरी चिंताधारा पहुँचे, उनके विवेक के दरवाजे मैंने में जाके घंटी बजाएं, इससे समाज का कुछ हित हो। मैंने इसकी इसी में एक जगह आप उसको पढ़ी होंगी या नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्भया कांड को भी मैंने 4 लाइनों में व्यक्त किया है जी, ठीक है, और उसी तरह की कविताएं जो है जो आओगे ना तुम अभी आप कुछ देर पहले बता रही थी जी, उसमें अलग अलग इश्यूज पे है, लेकिन उसके लिए आपको थ्रू आउट द बुक जो है ईच एंड एवरी पोएम को उसको गौर से उसको देखना पड़ेगा जी। उसको खोजना तो पाठकों का काम है जी। अंतर्निहित
सारगर्भित मर्म क्या है वो पाठकों का काम है, लेखक का काम है, अपने अनुसार लिख देना जी। और तरह तरह के व्यक्ति तरह तरह के उसका अर्थ निकालेंगे। जी। और यही यही भी कि किसी जो कला है मैंने साहित्य का मैंने वर्क ऑफ आर्ट, यही उसकी खूबसूरती है कि एक ही चीज़ के कई अर्थ निकले जी, निरर्थक ना हो, कई अर्थ निकले, जो जैसे मर्जी निकाले लेकिन वो सार्थक हो। जी सही। यही उद्देश्य लेकर मैंने अपने लेखनी को जो भी शब्द आते हैं लेखनी से उसे मूर्त रूप देने का कोशिश करता हूँ। अब इसकी हम कितने अपने संदेश से कितने को प्रभावित कर सकते हैं ये तो आने वाला समय ही इसकी पुष्टि करेगा। जी सही कहा आपने। तो मुझे जानना है, जैसे कि आप एक कविता लिखते हैं तो आपके कोई फेवरेट कवि या फिर कोई ऑथर वगैरह? देखिए मेरे फेवरेट कवि में से अगर बोला जाए तो चूंकि मेरा मदर टंग बंगाली है तो भारत के प्रथम नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। उनके अलावे एक और कवि हैं जिनका मे भी आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नहीं, काजी नजरुल इस्लाम, जिन्हें आज के डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रकवि माना जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मैंने एक समय था कि बंगाल के घर घर में कवि जन्म लेते थे, लिए हुए थे। और आज भी जिस वंदे मातरम की नारा हम लोग लगाते हैं भारत माता के सम्मान में, वो भी महान बंगाली जो मैंने नॉवेल लिखने वाले थे उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का ही देन है। और बाकी अंग्रेजी में विलियम ब्लेक हमारे एक बहुत फेवरेट मैंने कंपोजर्स में से हैं, पोइट्स में से हैं। वर्ड्सवर्थ भी हैं अगर हम नेचर की मैंने परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ड्सवर्थ भी आते हैं। और बहुत सारे राइटर्स हैं ऐसे आमतौर पे, कब किसका मैंने चिंतन जो है भा जाए एक दूसरे ऑथर को ये कहा नहीं जा सकता है। जा सकता। तो मेरे को जानना है कि आपकी जो है ये लिखने का जर्नी कब से शुरू हुआ? लिखने का जर्नी देखिए बचपन से तो लिखता था, लेकिन जब तक पढ़ाई लिखाई में व्यस्त था तब तक अपना कुछ पब्लिक वगैरह नहीं करवा पाया। और हो सकता है उस समय वो पब्लिकेशन के लायक भी नहीं थे, बस लिखने का मन होता था, अपने जो धारणाएं अवधारणाएं चिंतन सबको शब्दों में पिरोए जाते थे। विश्लेषणात्मक शक्ति उस समय इतनी नहीं थी, क्योंकि जैसे अश्वत्थामा ये एक बहुत ही विश्लेषणात्मक रचना है, तो ऐसी विद्या बुद्धि और अब मैंने तजुर्बा उस समय तो था नहीं। तो मान लीजिए 4-5 साल से जर्नी शुरू हुई है। तो कई बार लिखते वक्त ये होता है कि हमें वो इंस्पिरेशन खोज देते हैं हम, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लिखते लिखते पता नहीं क्यों हमारे शब्द गुम हो जाते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और नहीं, माँ बागदेवी की कृपा से आज तक ऐसी स्थिति तो मेरे सामने आई नहीं है। मैं अभी अगर चाहूँ तो बैठे बैठे 2-4 कविताएँ कर सकता हूँ। तो और मुझे जानना है कि आपकी ये कविता लिखने से लेकर के पब्लिकेशन तक का सफ़र कैसा रहा, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें, बट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। जब पब्लिकेशन हो गया सारी खट्टी यादें जो है वो सेट असाइड हो गया, और मीठी यादें अभी उसी का मैंने पुरस्कार है कि आप हमारी इंटरव्यू ले रही हैं। तो जैसे कि आपका आओगे ना तुम जो पोएम संग्रह है वो काफ़ी चीज़ों से इंस्पायर होके है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने वो चीज़ें आसपास देख कर के लिखी हैं या फिर कोई एक एक ही इंस्पिरेशन थी? नहीं, ये विभिन्न मैंने धाराओं से समन्वित एक संग्रह है। इसके
तरह तरह की धाराओं की कविताएं हैं इसमें अलग अलग, लेकिन उसका मूल जो है, आप अगर उसका संपादकीय देखेंगी या आप अगर थ्रू आउट दिस बुक अगर आप जाएंगी तो उसमें आप देखेंगी कि प्रत्येक कविता के अंत में एक ही उत्सुकता बचता है, आओगे ना तुम। अब ये आना किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, समय विशेष का हो सकता है, किसी सपने के साकार होने से संबंधित हो सकता है, तो ये तो पाठक वर्ग पढ़ने के बाद ही उनको पता चलेगा। और अगर मैं ही सब कुछ कह दूँ तो कुछ उत्सुकता पाठकों में भी बरकरार रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपकी अभी दो और किताबें आ रही हैं, पिघलता आसमा और अनोखा एहसास, तो थोड़ा उनके बारे में आप बताइए। देखिए, पिघलता आसमा जो है वो एक्चुअली अश्वत्थामा के बाद ही वो किताब आने वाली थी, लेकिन वो चूँकि शेरो शायरी से संबंधित किताब है, मैं कविता लिखने के अलावा शेरो शायरी भी करता हूँ, तो उसमें क्या है कि उर्दू अरबी फारसी के बहुत सारे अल्फाज रहते हैं, उन्हें शब्द रहते हैं, तो उनको स्वयं बैठकर प्रेस में एडिट करना पड़ता है, अदरवाइज़ उन्हें अर्थ का अनर्थ होकर रह जाएगा, इसलिए उसको अभी पीछे थोड़ा पेंडिंग छोड़ दिए हैं। और उससे पहले आओगे ना तुम आ गया बाज़ार में, और इसके बाद वो क्यू में लगी हुई है मेरा एक उपन्यास अनोखा एहसास, और उस अनोखा एहसास का एक अंश है, एक कविता है जिद न करो जाने की, जो इस आओगे ना तुम में भी उसमें भी संग्रहित है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं और कभी कभी जैसे परिस्थिति बस आप जानती होंगी, ये सत्य युग के बाद जो है द्वापर को आना था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण द्वापर को आगे घिसका दिया गया, उनको आगे भेज दिया गया, उनसे पहले त्रेता को आना पड़ा। ठीक है, तो इन सब का उत्तर मैंने जो अभी हमारे आपके और हमारे संवाद सुनेंगे वो भी खोजेंगे कि क्यों आया, सारा कुछ तो मैं बताऊंगा नहीं। जी बिल्कुल। तो एक अपना मैसेज जो है आपके जो पढ़ते हैं कविता उन लोगों के लिए, अगर आपको कुछ कहना है तो अगर आप कुछ कहना चाहते। सिर्फ मेरी कविता पढ़ने वालों के लिए नहीं है, मैं पूरे दुनिया जहान संसार के लिए ये संदेश देना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी भाषा भाषी हो, इंसान जब तक साहित्य का अध्ययन नहीं करता है तब तक उसकी इंसानियत जगती नहीं है, और तब तक वो सही मायने में इंसान कहने आने के लायक भी नहीं होता है। आई मीन लिटरेचर मेक्स अ मैन अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। जी, बहुत सही कहा आपने। तो आपका एक और चीज़ मुझे पता चला है कि द विजन करके आप एक यूट्यूब चैनल भी है आपका, तो मुझे जानना था कि आप उसमें किस टाइप की। नहीं, उसमें देखिए वो जब कोविड पेंडेमिक आया था ना उस समय, उसमें कोविड से संबंधित ज़्यादातर मैं लोगों को जागरूक करने का काम करता था, और भी कुछ सारे इशूज थे जिसमें उस समय कुछ एक वितर्क वाली इशूज़ भी चल रही थे देश में, नेपोटिज्म वगैरह वगैरह, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाए थे मैंने, लेकिन अब अपने स्वयं के कामों में इतना व्यस्त रहता हूँ वो चैनल चलाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए बहुत दिनों से ऐसा कोई अपलोड नहीं कर पाया हूँ। और जब आपकी पहली बुक निकली तो आपके परिवार वाले और जो आपके दोस्त वगैरह थे उनका कैसा रिएक्शन था, क्या उन लोगों की भावनाएँ थी? देखिए, इसमें आपने जब कहा तो सबसे पहले तो मैं, मेरा एक मित्र है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जब भी मेरा इंटरव्यू देखेंगे वो समझ जाएंगे कि मेरी इशारा किन की ओर है, वो भी टीचर हैं, वो हाई स्कूल में टीचर हैं, तो उन्होंने ही, हम बैठे बैठे बैठते थे हम लोग आपस में, तो बैठे बैठे शेर व शायरी शुरू करने मैंने कर देते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इन्हीं को शब्दों में पिरो के किताबें क्यों नहीं निकालते हैं। तो मेरे मित्र ऐसे कल ही उनसे बात हुई, हमारे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुई है, तो आज
ये इंटरव्यू देखने के बाद वो समझ जाएंगे कि मैं एक अगर व्यक्ति विशेष का नाम लूँगा तो मेरे बाकी मित्र नाराज हो सकते हैं और शुभचिंतक नाराज हो सकते हैं। हाँ, मैंने ऑन द होल जो है मेरे सभी शुभचिंतकों का, यहाँ तक कि मेरे मैं यहाँ की जो पब्लिशिंग एजेंसी है या कंपनी है उसके डायरेक्टर विक्रम सिंह ठाकुर जी का और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो पहली प्रोजेक्ट बार बने थे हिमांशु जी, हिमांशु घृत लहरे और ग्राफिक डिज़ाइनर प्रदीप देवांगन जी, इन सब का भी अच्छा योगदान रहा। और ये सब भी एक कामयाबी सिर्फ अकेले मेरी नहीं थी, एक सामूहिक सफलता सबको मिली थी। हाँ, लेकिन एक ऑथर के तौर पे जब ये बुक लॉन्च हुआ हमको लगता है आई थिंक 150 प्लस कंट्रीज़ में ऑनलाइन में, तो एक दिन सबको तो दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन मैं अपने काम के माध्यम से कम 154 कंट्री के अगर दो दो आदमी भी मेरे नाम को जानते होंगे तो मैं तो अमृत तो प्राप्त कर चुका हूँ। जी बिल्कुल सही बात। और जहाँ तक आप देखती हैं ये जो दुर्गा पूजा अभी हाल में दशहरा बीती है तो अमृत तो प्राप्त करने के लिए ही इतनी जद्दोजहद, असुरों की दैत्यों की राक्षसों की इतनी उत्पात क्यों, अमृत तो प्राप्त करने के लिए। हाँ। तो मैं वो कर चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे साइड से आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सर। आप चलिए, आपका भी बहुत बहुत आभार इस मंच पर बुलाकर मुझे अपने उद्गारों को व्यक्त करने के आपने एक अवसर दिया। और आपके यहाँ के डायरेक्टर साहब एवं उनके समस्त जो टीम है अस्तित्व पब्लिकेशन की, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबको अभी आज तो शायद आज या कल धनतेरस है, तो दीपावली की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबकी ये दीपावली बहुत ही सुखी संपन्न तरीके से बीते, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीते।